साल की लेगेसी को मेंटेन कर पाना, वो भी एक ऐसे देश में जहाँ पे दबदबा है, तो वो है कॉम्पैक्ट एसयूवीज और एसयूवीज का। यहाँ गाने चलते हैं। एक जीप खड़ी मेरे थाने पे, वहाँ पे एक सेडान जिसने 25 साल से अपनी लेगेसी मेंटेन की हुई है और आज भी मार्केट में तबाही मचाने के लिए गाड़ी तैयार है। आपके लिए लेके आए हैं हमारे चैनल ऑटो सिंह पे दी ऑल न्यू होंडा सिटी 2023 विथ दी ADAS फीचर। गाड़ी की फ्रंट प्रोफाइल की बात करते हैं और आपको बता देते हैं, गाड़ी की हेडलैम्प्स में ये क्रोम आपको शुरुआत होता हुआ, जो कि हेडलैम्प से फ्लो करता हुआ डायरेक्टली सेकेंड हेडलैम्प पे जा रहा है। ये गाड़ी का मॉडल ZX है। दिस इज द टॉप एंड मॉडल फॉर द मैनुअल ट्रांसमिशन। और इसके नीचे आपको देख सकते हैं आप हेडलैम्प्स यहाँ पे आपको मिलते हुए प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, जहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 हेडलाइट्स का सेटअप आपको यहाँ पे प्रोजेक्टर में मिलता हुआ। प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स के साथ साथ आपको यहाँ पे हनीकॉम टाइप का एक पैटर्न ग्रिल में मिलता हुआ, बीचों बीच होंडा का अमेजिंग लोगो, और ये आपका वापस यहाँ पे सेकंड हेडलैम्प की तरफ जाता हुआ। बहुत ही बड़ा बम्पर इस गाड़ी को मिलता है और उसमें आपको साथ में मिल जाते हैं प्रोजेक्टर फॉग लैम्प्स भी, जो कि आपका रात का सफ़र, आपका धुंध का सफ़र बहुत ही मज़ेदार शानदार करने वाले हैं। नीचे आपको स्कर्टिंग मिल जाती है ब्लैक, जो कि गाड़ी को एक स्पोर्टी लुक प्रोवाइड करती है। होंडा सिटी हमेशा से जानी गई है अपनी कंफर्ट, अपनी लग्जरी और अपनी शान के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं होंडा ने इस बार इसमें अपने लिए एक स्पोर्टी फीचर ऐड करने की भी कोशिश करी है इस इंसर्ट के साथ, इस पर्टिकुलर डिज़ाइन के साथ। ले चलते हैं आपको गाड़ी के साइड प्रोफाइल में, और गाड़ी की साइड प्रोफाइल के बारे में अगर हम आपको बताएं तो गाड़ी में आपको मिल जाते हैं ये डायमंड कट शानदार अलॉय व्हील्स, जिसका टायर प्रोफाइल है 185/65 R16। 16 इंच के टायर आपकी गाड़ी को एक शानदार स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराने के लिए काफ़ी है व्यूअर्स। और उसके साथ साथ आपके लिए लेके चलते हैं साइड प्रोफाइल पे, आप देख सकते हैं कि आपको ORVM, आपको फुल्ली आपको ORVM पे इंडिकेटर मिल जाते हैं। फेंडर पे किसी प्रकार के इंडिकेटर का कोई प्रोविजन नहीं है। दिस इज़ बॉडी कलर्ड, आप चाहे तो इसमें क्रोम भी लगवा सकते हैं फ्रॉम द शोरूम। आपको गाड़ी के साइड प्रोफाइल में आप देख सकते हैं होंडा की गाड़ियों में कहीं ना कहीं एक ये पैटर्न आजकल मुझे बहुत ही कॉमन नज़र आता हुआ, जो डिज़ाइन एक कट हेडलैम्प से फ्लो करता हुआ आप देख सकते हैं हेडलैम्प पर जा रहा है। चलिए आपको गाड़ी के फ्रंट डोर की बात करते हैं। गाड़ी के एक्सटीरियर में जो फ्रंट डोर है, आपको यहाँ पे क्रोम का काम मिलता हुआ, ये डोर सेंसर्स आपको जो आपको मदद करेगी गाड़ी में बिना चाबी के एंट्री लेने से, डोर सेंसर। उसके साथ साथ पीछे भी आपको गाड़ी पे क्रोम का काम यहाँ पे आपको मिलता हुआ गाड़ी के हैंडल्स पे, वही डायमंड कट अलॉय व्हील्स, और एक फुल साइज सेडान होने के नाते इस गाड़ी का बूट स्पेस आपको दिखाते हैं। गाड़ी में पीछे आप डिग्गी तक आते हुए और ये IVTEC पेट्रोल इंजन गाड़ी का, जो कि गाड़ी को 25 सालों से ये लेगेसी प्रोवाइड कराते हुए। टेल लैम्प्स का सेटअप LED सेटअप्स है, लेकिन इंडिकेटर की अगर हम बात करें तो ये आपको हैलोजन में ही मिलते हैं। आपको एक छोटी सी एक्सेसरी यहाँ पे स्पॉइलर के तौर पर देखती हुई, होंडा का लोगो और काफ़ी बड़ा बूट स्पेस। जैसा मैंने आपको शुरू में बताया था कि होंडा कहीं ना कहीं इस बार स्पोर्ट्स के बारे में काफ़ी सोचती है, तो आपको ये दिख सकता है पीछे भी आपको इस तरह का ब्लैक काम, ये जो है आपको फाइबर में काम मिलता हुआ, जो कि गाड़ी को कहीं ना कहीं से एक स्पोर्टी एंगल प्रोवाइड करा रहा है। गाड़ी का रियर व्यू कैमरा जो आपको फ्रंट से आपको पार्किंग में असिस्ट करता है, वो यहाँ पे आपको मिलता हुआ, प्लस 4 पार्किंग सेंसर आपको गाड़ी में मिलते हुए। फ्यूल लिट की अगर हम बात करें तो वो आपको पैसेंजर साइड मिलता हुआ अपोजिट द ड्राइवर साइड, और इसी के साथ साथ आप देख सकते हैं ZX वेरियंट का पैसेंजर सीट पर भी यहाँ पर आपको मिलता हुआ। चलिए लेकिन उसके बारे में हम आपको अंदर जाके और बताएंगे। शार्क फिन एंटीना गाड़ी में आपको मिल जाता है, साथ ही साथ इस मॉडल में सनरूफ भी आपको अवेलेबल है, जो कि आप ऊपर से देख सकते हैं, कुछ इस तरह का व्यू आपको सनरूफ का आता है। चलिए गाड़ी के अंदर आपको लेके चलते हैं और गाड़ी के अंदर आपको दिखाते हैं कि आपको क्या और चीज़ें आपको मिल जाती है। डिज़ाइन के तौर पर होंडा ने क्या क्या चेंजेस किए हैं, सबसे पहले आपको लेके चलते हैं दरवाज़ों पर, और दरवाज़ों पर आपको लेदर फिनिशिंग आपको यहाँ पे डोर्स पे भी
एयर फिनिशिंग के साथ साथ आपको दरवाजों पर ही सारे कंट्रोल्स आपको यहाँ पे रियर व्यू मिरर के, आपको लेफ्ट राइट रियर व्यू मिरर के, चारों डोर्स के लॉक्स, आपको चारों डोर के पावर विंडोज, लॉक अनलॉक का स्विच, साथ में डोर ओपनिंग जो है आपको यहाँ पे क्रोम में मिलती है। ये मत भूलिए कि ये लेदर का काम है, यहाँ पे थोड़ा सा लेदर का काम जो कि काफ़ी लग्जरी फील करवाता है एक ड्राइवर को या इस गाड़ी के ओनर को। आइए आपको लेके चलते हैं गाड़ी की सीट्स पर। ये गाड़ी में आप देख सकते हैं लेदर सीट्स जो कि आपको मिल सकते हैं एक एडजस्टेबल हेडरेस्ट के साथ, जो कि ड्राइवर को एक बेहतरीन कंफर्ट प्रोवाइड करते हैं। अब आपको गाड़ी का फ्रंट आपको दिखाते हैं कि क्योंकि किस वजह से आपको ऑनर सिटी में आते हैं तो आपको हमेशा एक बेहतरीन फील हो जाती है। गाड़ी की स्टेयरिंग की बात करें तो लेदर है, गाड़ी की स्टेयरिंग पर आपको मिल जाता है। वॉल्यूम कंट्रोल जो मीडिया के हैं वो यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। वॉल्यूम कंट्रोल्स के साथ साथ आपको बीचों बीच होंडा की बैजिंग और उसके साथ साथ यहाँ पे आपको क्रूज़ कंट्रोल मिलते हुए गाड़ी के। अडैप्स फीचर के कंट्रोल्स आपको यहाँ पे मिलते हुए। गाड़ी का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कम्प्लीटली डिजिटल है। यहाँ पे आपको गाड़ी का जो वाइपर है उसके कंट्रोल्स मिल जाते हैं और राइट हैंड साइड पे ट्रेडिशनल जो भी है आपको हेडलाइट्स के कंट्रोल मिल जाते हैं। गाड़ी के स्टेयरिंग के नीचे आपको मिल जाता है हेडलैम्प लेवलर और ये आपको मिल जाता है ट्रैक्शन कंट्रोल का स्विच। फ्यूल लिड बोनट ओपन करने का ऑप्शन आपको वहाँ पे मिलता हुआ, एक्सेलरेटर ब्रेक क्लच आपको मिलता हुआ, साथ में आपको फुटप्रेस भी प्रोवाइड कराया जाता है होंडा सिटी में। टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टेयरिंग है ये, आप देख सकते हैं यहाँ पे इसके कंट्रोल्स हैं जिससे गाड़ी का स्टेयरिंग टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक होता है। गाड़ी के एसी कंट्रोल्स की अगर बात करें तो आपको एसी कंट्रोल्स पे भी एक सिल्वर फिनिशिंग का काम मिलता हुआ और ये एक शानदार वुडन फिनिशिंग का काम इंटीरियर्स में आप देख सकते हैं। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल जहाँ डिस्प्ले यहाँ पे आता है और उसके साथ साथ आप देख सकते हैं एसी कंट्रोल्स यहाँ पे, आपको पार्किंग इंडिकेटर्स देने के लिए ऑप्शन यहाँ पे, ये एक आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम जो कि कम्प्लीटली टच इंफोटेनमेंट सिस्टम है और उसमें बटन्स भी हैं जो आपको कन्वीनियंस भी प्रोवाइड कराते हैं विद द कंफर्ट। आपको गियर नॉब, क्योंकि ये मैनुअल ट्रांसमिशन है यहाँ पे आपको गियर नॉब मिलता हुआ, यूएसबी कंट्रोल्स आपको मिलते हुए और यूएसबी कंट्रोल्स दे दिए तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पावर वोल्ट सॉकेट नहीं मिलेगा, 12 वोल्ट का पावर सॉकेट आपको अभी भी मिलता है। दो कप होल्डर यहाँ पे आपको मिलते हुए, एक बेहतरीन आपको हैंड रेस्ट जो कि ड्राइवर को एक कंफर्ट प्रोवाइड कराएंगे वो यहाँ पे आपको मिलते हुए, और गाड़ी के साथ साथ आप देख सकते हैं सनरूफ की जो कंट्रोल्स हैं वो यहाँ पे, उसके साथ साथ सनरूफ खोलने का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलते हुए आप देख सकते हैं। इसके अंदर भी आपको यहाँ पे सारी लाइटिंग, ये आपके सनरूफ के कंट्रोल्स, ये सारी चीज़ें मिलती हुई यहाँ पे, और ये भी आपको वाइट हेडलाइट्स आपको यहाँ पे मिलती हुई, रियर व्यू मिरर आपको यहाँ पे मिलते हुए, डे नाइट रियर व्यू मिरर, और उसके साथ साथ आपको हम दिखा देते हैं आपको यहाँ पे जो वैनिटी मिरर है वो भी आपको मिलते हुए यहाँ पे पैसेंजर साइड पे। गाड़ी में अगर स्पीकर सेटअप की बात करें तो आपको चारों डोर पे स्पीकर्स मिलते हैं, चारों डोर पे स्पीकर्स के साथ साथ आपको ट्विटर भी यहाँ पे मौजूद रहते हैं। बहुत ही शानदार म्यूज़िक सिस्टम है इस गाड़ी का और क्योंकि ये गाड़ी एक ऐसी गाड़ी है जो ड्राइवर को कम्फर्ट देती है लेकिन कहीं ना कहीं बहुत लोग इसको एज अ पैसेंजर कार यानी कि पीछे बैठने के हिसाब से भी यूज़ करते हैं। तो आपको लेके चलते हैं गाड़ी के पीछे और दिखाते हैं सीट पे फिलहाल क्या मज़ा है। उसके पहले आप देख लीजिए साइड कर्टेन एयरबैग्स, तो गाड़ी आपकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखती है। एयरबैग्स इधर भी, चलिए आपको लेके चलते हैं पीछे और आपको दिखाते हैं पीछे का क्या माहौल है। रियर डोर पे आपको देख सकते हैं आपको क्रोम में डोर ओपनिंग हैंडल और आपको रियर व्यू जो भी आपका पीछे जो मिरर जो ग्लास है उसको कंट्रोल करने का आपको कंट्रोल मिलता हुआ। लेदर की अपहोल्स्ट्री का काम यहाँ पे भी और आपको स्पीकर की हाउसिंग यहाँ पे भी मिलती है। पीछे अगर हम आते हैं तो ये लेदर की सीट्स आपको बहुत ही अमेजिंग कंफर्ट प्रोवाइड कराती है। क्या ज़बरदस्त लेग रूम, क्या ज़बरदस्त हाई सपोर्ट इस गाड़ी में है और ये हैंड रेस्ट जो कि दो ग्लास होल्डर के साथ आपको आता है आपकी कंफर्ट को और मज़ेदार कर देता है और गर्मी में भी सर्दी का एहसास देने के लिए आपके पास है पीछे के पैसेंजर्स के लिए भी एसी के कंट्रोल्स और 12 वोल्ट के पावर सॉकेट्स।
तो आप अपने मोबाइल फोन्स को यहाँ से भी चार्ज कर सकते हैं। पीछे की अगर हम बात करें तो आपको हेडरेस्ट फिक्स मिलते हैं, लेकिन उसके साथ साथ बेहतरीन बात यह है कि मिडिल पैसेंजर के लिए भी आपको हेडरेस्ट मिलते हैं। साइड कर्टन एयरबैग आपको यहाँ पे भी पीछे के पैसेंजर्स के लिए भी आपको मिल जाते हैं, प्लस आपको ऊपर यहाँ पे भी वाइट लाइट्स मिल जाती हैं और चाइल्ड आइसोफिक्स सीट्स आपको यहाँ पे मिल जाती है। इसी वजह से ये गाड़ी एक परफेक्ट फैमिली कार होने के साथ साथ एक सेफ और एक स्पोर्ट्स, एक ड्राइवर, एक पैसेंजर, किसी भी एज ग्रुप को लुभाने में ये गाड़ी किसी तरह से कोई कमी नहीं छोड़ती है। इसी वजह से ये गाड़ी 25 साल से मार्केट में है और आज भी बहुत ही बेहतर कर रही है। हमारे चैनल ऑटो सेंग के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। याद रखिए, हम आपके लिए लेके आते हैं ऐसी नई गाड़ी के रिव्यूज़, लेकिन उसके साथ साथ हम आपको यूज़ कार ओनरशिप भी प्रोवाइड कराते हैं, जिससे आप नई या पुरानी किसी भी गाड़ी को लेने में हम कोशिश करते हैं कि आपको मदद हो। थैंक यू फॉर व्यूइंग अस।